जैसा तुमसे दाई नमो मेरे ही क्रिया योग के स्टूडेंट हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आज सुबह जब मैं ध्यान कर रही थी तो मैंने अनुभव किया, मैंने देखा कि जब मैं अपने सर पे ध्यान करने लगी तो मुझे ऐसा दिखा कि जैसे मेरा सर पूरा अंदर से खाली है, कुछ भी मेरे सर में नहीं है अंदर, और मुझे अपने सर में पूरा यूनिवर्स दिख रहा था, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था कि जैसे ब्लू, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू कलर का पूरा ब्रह्मांड है और उसमें छोटे छोटे बहुत सारे तारे हैं और ग्रह भी दिख रहे थे उसके अंदर मुझे, बिल्कुल साफ एकदम एज इट इज, कुछ जैसे कोई पिक्चर चल रही हो मेरे सामने, ऐसे दिख रहा था। फिर मुझे लगा कि शायद ये वहम हो सकता है, तो मैंने अपना, मैं बार बार कोशिश कर रही थी कि मुझे ना दिखे, मैं अपने अंदर फेस के अंदर के या इधर माइंड के अंदर के मैं पार्ट्स देखना चाह रही थी, पर मुझे कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ खाली और सिर्फ यूनिवर्स। फिर उसके बाद मुझे अचानक यहाँ इतनी तेज दर्द था, कैसा लगा ध्यान करते करते जैसे ये चीज़ मेरी अभी जैसे फटके ना कुछ चीज़ यहाँ से एकदम निकल जाएगी बाहर, तो इतनी तेज़ दर्द था कि मुझे लगा कि मुझे मेडिटेशन बीच में छोड़ना पड़ेगा और एक पेन किलर लेनी पड़ेगी। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेडिटेशन कर लेती हूँ और उसके बाद देखती हूँ। फिर उसके बाद दर्द तो था ही, मेरे वाइब्रेशन भी बहुत तेज़ थी। फिर मुझे ध्यान करते करते मैंने देखा कि मैंने गोल्डन कलर का क्राउन पहना हुआ है, बिल्कुल गोल्डन कलर का क्राउन, और वो बहुत मतलब बहुत तेज रोशनी में, रोशनी होती है ना जैसे गोल्डन कलर की, तो वो चमक रहा है, गोल्डन कलर का मैंने क्राउन पहना हुआ है। फिर मुझे उसके नीचे मेरे को पूरा यूनिवर्स भी दिख रहा था, दोनों चीज़ साथ साथ मुझे दिख रही थी, साफ साफ दिख रही थी। उसके बाद फिर मैं ध्यान करते करते नीचे की तरफ आई तो मैं अपने हार्ट सेंटर पर पहुंची। जब मैं वहाँ हार्ट सेंटर पर पहुंची तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे को जैस्मिन की खुशबू आ रही है। वैसे मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ तो मैं अपना रूम का जो डोर है वो बंद कर लेती हूँ, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई जैस्मिन का फ्लावर लेके ना मेरे फेस के आसपास घूम रहा है, ऐसा बकायदा फील हो रहा था जैसे कोई घूम रही है, कोई घूम रही है कोई चीज़, वो खुशबू कभी इधर से आ रही है कभी इधर से, फील ऐसे कुछ फील हो रहा था वो मुझे। तो काफ़ी देर तक वो खुशबू आई, फिर उसके बाद जब मैं नीचे की तरफ आई अपने टमी की तरफ आई फिर वो खुशबू एकदम चली गई। फिर मुझे जब मैं अपने पेट पर ध्यान करने लगी तो पूरी बॉडी मुझे खाली ही दिख रही थी, कोई पार्ट्स मुझे नहीं दिखा। ऊपर से नीचे मैं ध्यान करती हुई आई, फिर पेट पे आते हुए फिर मुझे ये लगा कि ये दिख रहा था कि जैसे मैं, जैसे एक बलून होता है ना, कि बलून में हम हवा भरते हैं, फूलता रहता है ऐसे 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 फूलता रहता है और वो हल्का होता रहता है, हवा में उड़ने लगता है। तो मुझे लगा मेरी बॉडी अब, मुझे ऐसा दिख रहा था कि मैं ऊपर उठने लगी हूँ, बहुत हल्की हो गई एकदम, एकदम शून्य में जैसे चली गई, बहुत हल्की बॉडी हो गई, और ऐसा लगा था मैं पूरे में फैलती जा रही हूँ, जैसे बलून फैलता हवा भरने से, ऐसे मेरी बॉडी फैलती जा रही है। मैं मेडिटेशन करते हुए सोची मैंने कि ये क्या हो रहा है, मेरे को आज ये सभी अनुभव कैसे इतने मतलब ऊपर से नीचे तक मुझे अनुभव होते ही जा रहे हैं। और उस टाइम मेडिटेशन करते मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं उठूँ, इतना हल्का और इतना लाइट वेट फील हो रहा था मुझे अपना, और फैलती चली गई बिल्कुल एकदम, जैसे काफ़ी जगह पर मैं फैल गई हूँ, ऐसा हल्का एकदम फील होने लगा। ये आज के मेरे अनुभव है। और उसके बाद फिर मैंने ध्यान पे से जैसे मैं उठी तो मैंने सबसे पहले मैंने अपने टीचर को मैसेज किया, मैंने बताया अपना एक्सपीरियंस के सर ऐसा ऐसा मुझे मेडिटेशन करते हुए दिखा, ऐसा फील भी हुआ। तो उन्होंने बोला कि ये आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आपको ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि आप वन ट्रैक हो। तो आज के मेरे ये वाले जो अनुभव है बहुत ही अच्छे अनुभव हैं, बहुत ही अच्छे अनुभव, और सारे वन बाय वन मेरे को एक एक करके अनुभव ही होते रहे, तो मैं बहुत खुश हूँ। बस गुरुजी की और टीचर, सभी टीचरों से ये विनती करती हूँ कि इसी तरह से अपनी ब्लेसिंग, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए और हमें ऐसे ही गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। जय सत्यम सिद्धाय नमः।